हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से। तो चलिए इस जॉब का बाद डिटेल्स जानते हो। डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा, ताकि आप इस जॉब का बाद सारा चीज़ डिटेल्स में जान पाएँ कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बाद सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2022। इस फॉर्म को 12 फरवरी 2022 को इसको रिलीज किया गया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। आप इस फॉर्म को 11/2/2022 से अप्लाई कर सकते हैं और 3/3/2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएफ कैंडिडेट को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 500 रुपीज़ पे करने होंगे। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 250 रुपीज़ पे करने होंगे। और इसका पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट, मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 42 साल होना चाहिए। अगर आपका एज 21 से 42 साल के बीच में है, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जनरली एस सी एस टी कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है और ओ बी सी कैंडिडेट्स को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स। इसमें देखिए टोटल वैकेंसी 4050 वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बी एस सी नर्सिंग होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कौन सी कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसीज हैं। तो देखिए मेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 936 पोस्ट है, एमबीसी के लिए 556, बीसी के लिए 276, एससी कैटेगरी के लिए 692, एसटी कैटेगरी के लिए 24, ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी के लिए 250, डब्ल्यूबीसी के लिए 104 पोस्ट है। ओके, अब देखते हैं फीमेल के लिए। फीमेल के लिए देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 499, एमबीसी में 238, बीसी में 143, एससी कैटेगरी में 214, एसटी कैटेगरी में 11, ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी में 107 है। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि आप इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए आप इसमें सिलेक्शन बीएससी नर्सिंग के मार्क्स के थ्रू आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ओके, मार्क्स के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपका मार्क्स 80-90% से अबव है, देन चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा। ओके, अब देखते हैं सैलरी। तो इसमें सैलरी देखिए 25,000 पर मंथ मिलेगा। ओके, इसके अलावा 15,000 का इंसेंटिव भी पा सकते हैं अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो। ओके, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग इस जॉब के बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है, देन आप कॉमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो, देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट हो, देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तब तक ले, जय हिंद, जय भारत।